टाइगर और एजेंट जोया को इंडिया की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई रहे, लेकिन अब भी दुनिया के अलग अलग शहरों में उनके देखे जाने की खबर मिलती रहती है। Tiger always ready. फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी टाइगर 3 के बारे में। और आज के दिन इस मूवी से जुड़ी काफी बड़ी और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ चुकी है, और भी कई सारी अपडेट है जो इस मूवी से रिलेटेड है। तो फाइनली इस मूवी से जुड़ी सारी अपडेट देने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक करके लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, टाइगर 3 मूवी एक एक्शन क्राइम रोमांस मूवी होने वाली है, जिसको अपना बेहतरीन डायरेक्शन दिया मनीष शर्मा सर ने। इस मूवी को प्रोड्यूस किया आदित्य चोपड़ा सर ने। वहीं इस मूवी के लीड रोल में हमें देखने को मिलेंगे बॉलीवुड के किंग खान सलमान खान, ब्यूटीफुल एक्ट्रेस कटरीना कैफ और इमरान हाशमी जैसे और भी बेहतरीन एक्ट्रेस होंगे जो इस मूवी में देखने को मिलेंगे। वहीं दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस मूवी को सिनेमाघरों में लगभग 3 भाषाओं के साथ रिलीज किया जाएगा, जिसमें हिंदी, तमिल और तेलुगु जैसी भाषा शामिल है। वहीं दोस्तों, अगर बात करें इस मूवी से जुड़ी अपडेट की और रिलीज डेट की, तो आपको बता दूं इस मूवी में 2 कैमियो भी होने वाला है, जिसमें पठान यानी शाहरुख खान का तो कैमियो होगा ही, बल्कि सोशल मीडिया के अनुसार रिपोर्ट आ रहे हैं कि ऋतिक रोशन का भी कैमियो होने वाला है। साथ ही में इस मूवी में पठान की एंट्री किस तरह से होगी, उसका क्लिप तो आपने पठान मूवी में देख ही लिया होगा। बाकी ऋतिक रोशन सर की एंट्री किस तरह से होती है, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं दोस्तों, इस मूवी की काफी बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जहां ये मूवी दिवाली के मौके पर रिलीज होगी, वहीं इस मूवी से जुड़ी अभी तक कोई ऑफिशियली रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन जहां तक सोशल मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि यह मूवी का एक नया लुक जल्दी आउट किया जाएगा, जिसके साथ ही इस मूवी का ऑफिशियल रिलीज डेट भी अनाउंसमेंट की जाएगी। तो दोस्तों, यह था इस मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।